हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ सूजी का एक और चटपटा नाश्ता। आप इसे नाश्ते के तौर पर खा सकते हैं या फिर जब आपका स्नैक्स खाने का मन होता है तब ले सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कटोरी सूजी ली है, 2 चम्मच चावल का आटा, मैंने इसको घर पर ही बनाया है। आप बाहर का ले सकते हैं, घर पर बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 2 उबले हुए आलू लिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया और 2 लहसुन की कलियाँ जिनको कद्दूकस किया है। तो अब देख लेते हैं क्या करना है। 1 कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालना है, इसको मेल्ट होने देना है। घी की जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और जो इसमें आपको छोंक लगाना है जीरे का, और हींग डाल देनी है, और जो हमारे जो आपका लहसुन था उसको भी डाल देना है। इनको इस तरह से आपको हल्का सा भून लेना है, और फिर इसमें 1.5 कटोरी पानी डालना है। जिस कटोरी में आपने सूजी लिया है ना उससे एक्स्ट्रा डालना है 1.5 कटोरी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसमें मसाले ऐड कर देने हैं, जैसे आपकी लाल मिर्च है, हल्दी है, ये आपको डाल देना है, और सूजी अब इसमें डाल देनी है। तो देखिए इस तरह से करना है, और ये बहुत जल्दी सूजी जो है एकदम पानी में फूलने लगती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आपको गैस को मंदा कर लेना है बिल्कुल, इसको इस तरह से आपने मिक्स करना है। और देखिए हमारी सूजी तो तैयार हो चुकी है। अब जो उबले हुए आलू थे उनको ऐड करना है, 2 चम्मच चावल का आटा और धनिया ये आपको डाल देना है, और स्वाद के अनुसार नमक भी आपको डाल लेना है, और इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप इसको मतलब किसी चमचे से भी कर सकते हैं या फिर हाथ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, एक अच्छा सा डो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने हाथ से ही किया है, देखिए कुछ इस तरह से। और यस, ये जो है मैं जिसको तैयार कर रही हूँ, मैंने सारा भी यूज़ नहीं किया था, आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं यूज़ करके दिखाऊँगी कि हम इसे किस तरह से बनाने वाले। तो मैंने आप पे सिर्फ थोड़ा सा मिक्सचर लिया है, तो इसे देखिए इस तरह के शेप्स बनानी है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई और शेप्स भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ, जैसे कि हमको इनको सिर्फ सेकना है, बहुत कम तेल में का हम यूज़ करने वाले हैं, तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे शेप दी है, ये इजी हो जाता है इनको सेकना। तो क्या करना है, लोहे का तवा लेना है। स्पेशली मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कौन सा तवा, तो लोहे का तवा लिया है, उसको पहले हल्का सा ग्रीस कर लिया है और इस तरह से इनको रख दिया है। आप और भी रख सकते हैं अगर आप और बनाते हैं तो, इसमें एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाती हैं। और हल्का सा ऑयल थोड़ा सा ऊपर भी लगा देंगे, और बस इनको अलट पलट करके सेक लेना है। और जो आपकी जो गैस की फ्लेम रहेगी वो रहेगी मीडियम, ना बहुत तेज़ करना है ना बिल्कुल लो करना है। और ये आप इनको स्नैक्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे आप कभी सैंडविच बनाते हैं या फिर आप टिक्की बनाते हैं इस तरह से, तो आप इनका यूज़ उसमें भी कर सकते हैं, जैसे आपको करना है। दोनों ही तरह से बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए हमारे सीख चुके हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बनकर तैयार हो चुके हैं, देखिए मैं दिखाती हूँ। और अभी जैसे तैयार है तो आपने देखा कि इसको बनाने में हमने ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं किया था, तो बहुत कम तेल में बने हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में बड़े ही टेस्टी लगते हैं और इजी भी हैं बहुत बनाने, है ना। तो फिर मैं तो ये कहूँगी आपको कि आप इनको ज़रूर बनाकर देखना। आप सॉस के साथ खाइए, जो आपके पुदीने की चटनी होती है उसके साथ खाइए, चाय के साथ लीजिए, किसी के भी साथ लीजिए, सबके साथ बड़ा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर तो मैंने पुदीने की चटनी ली है थोड़ा, तो फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर बना के देखिए। एंड यस, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।